हे hey दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे गूगल एड सेटअप कर सकते हैं फॉर योर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यस गाइस, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के लिए आप गूगल एड्स का यूज कर सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा इजी, चाहे वो आपका एफिलिएट प्रोडक्ट हो, जेबीयू से, क्लिकबैंक से, वॉरियर प्लस से, कहीं से भी। तो आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेट्स कम ऑन द कंप्यूटर एंड नो दिस एंड जस्ट नो दिस। एंड अगर आप नए मेहमान हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, बिकॉज़ आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इस वीडियोस लेके आने के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू द कंप्यूटर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ईमेल के थ्रू एक गूगल एड्स का अकाउंट बना लेना, राइट। देन यहाँ पर आपको राइट में जो आपको रहता है आपका ईमेल जहाँ पर खुलता है आपके कंप्यूटर में, वहां पर नीचे आपको आना है एंड गूगल एड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप गूगल एड्स पे क्लिक करोगे, आप उसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे, राइट। ऐसा करके कुछ आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ मेरे कुछ एड्स चल रहे हैं जो अनेबल है, एंड उस आपके में कैसा रहेगा, आपके में पूरा एकदम क्लियर दिखेगा। ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी जो आपको यहाँ पर दिख रही है नीचे में, वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी, बाकी आपको ऐसा ही सेम दिखेगा, ओके। तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करना है। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, जैसे जिस एड को लगाना बता रहा हूँ, इस एड के थ्रू आप अपना एफिलिएट प्रोडक्ट, आप अपना फिजिकल प्रोडक्ट जो आप ऑफलाइन में भी मार्केट करते हो और चाहते हो कि यूट्यूब की सहायता से आप उसको प्रमोट करो, उसको भी आप यहाँ पर इसके जरिए मार्केट कर सकते हो, जो एड मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ओके। इवन अगर आपका कोई कोर्स है खुद का, तो आप उसको भी मार्केट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट के जरिए, जो कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बता रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर सेल्स कैंपेन रन करने वाला हूँ, तो आपको जैसे ही यहाँ एंट्री मिलेगी तो यहाँ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं। अब आपको लीड ऐड चलानी है तो आप लीड ऐड चला सकते हो, वेबसाइट ऐड, वेबसाइट ट्राफिक चाहिए तो आप वेबसाइट ट्राफिक ले सकते हो, मतलब कि जो आपको चलाना है वो ऐड यहाँ से आप चला सकते हो। यहाँ पर हम लोग सेल्स कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। तो सेल्स कैंपेन में मैं क्लिक करता हूँ, एंड सेल्स कैंपेन के क्लिक करने के बाद नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट, जिसमें आप अपना कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो हम लोगों का जो फॉर्म है वो है वीडियो फॉर्म, हम लोग वीडियो फॉर्म में रन करेंगे। तो वीडियो पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग, डैम ये चीज खुलेगी, लेट्स सी। सो गाइस, ये चीज खुल गई, आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कैंपेन का नाम लिख लेना है, तो मेरा ये है थर्ड वीडियो एड, मैं इसका नाम ले दे रहा हूँ थर्ड वीडियो एड, राइट। अब यहाँ पर सॉरी, ये 3 रुपीज हो गया है, थर्ड वीडियो एड, ओके। देन अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम कन्वर्जन ही रहने देना है, ठीक है। अब नीचे आपको आना है, आपको अपना डेली बजट सेट करना है, तो डेली बजट आपका जो भी हो वो आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 300 रुपीज सेट करता हूँ, ओके। देन अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि भाई आप अपना ऐड कहाँ रन करना चाहते हो। तो मैं अपना ऐड सिर्फ वीडियोस के ऊपर, मतलब कि यूट्यूब में जो वीडियोस आती हैं उनके ऊपर रन करना चाहता हूँ। और सेल्स कैंपेन में क्या होता है, बेसिकली आप वीडियोस के ऊपर ही अपना ऐड रन कर सकते हो। सेकेंड जो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर मिलता है वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब कि जिनके साथ भी गूगल का टाई अप है अलग अलग एप्स के साथ, आप वहां पर भी अपने ऐड को रन कर सकते हो। बट मुझे ओनली ओनली यूट्यूब पे जो वीडियोस आती हैं उन पर ही अपना ऐड रन करना है, इसलिए मैं वीडियो यूट्यूब का ही यहाँ पर चयन करूंगा, उनको सेलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मैं नीचे जाऊंगा एंड मेरी जो कंट्री सिलेक्शन है, लोकेशन, वो इंडिया है, ओनली मैं इंडिया में ये ऐड चलाना चाहता हूँ। एंड अब मैं और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन देते हैं लैंग्वेज का, मुझे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की जरूरत है तो मैं हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद हम लोग और नीचे जाएंगे तो ये दो जो सेक्शन है वो आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं, ओके। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एड्स की क्वालिटी पे बात की जाती है। एंड जो सेकेंड ऑप्शन है जहाँ पर बताया जाता है कि भाई आपका कंटेंट किस लेवल पे है, मतलब कि आप किस लेवल के कंटेंट पे अपना ऐड चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको हटा देना है इसको, और एम्बेडेड वीडियो यूट्यूब और लाइव स्ट्रीमिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको बंद कर देना है। उसके नीचे अगर आप आओगे तो कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं जिसको आप ऐसा खोल के देख सकते हो, बट यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहती है, बिकॉज ये ऑटो बाद में चेंज लेता है जब आपका एड रन होता है, ठीक है। यहाँ एडिशनल सेटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या रहता है। अब यहाँ पर बोल रहा है भाई कि आप कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हो, यस हम कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैक हो रहा है, ठीक है।
चूज कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कैंपेन इंक्लूड अ कन्वर्जन सेटिंग. ओके तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन सेटिंग इंक्लूड किए हुए हैं. अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई क्या आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे दिखाना चाहते हो. नहीं, हम लोग हर चीज पे दिखाना चाहते हैं, लाइक टीवी कंप्यूटर टैबलेट हर चीज पे, तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि आप कितने बार दिखाना चाहते हो एक दिन में लोगों को ऐड, तो मैं इसको एक भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसको चलने देते हैं ऐसे ही. और अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर कैप पे क्लिक करके पर डे अगर आप एक बंदे को दो बार तीन बार ऐड दिखाना चाहते हो तो आपको दिखा सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पे. बट यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें एंड नीचे जाएं. अब आपको कितने टाइम के लिए ऐड को रन करना है यहाँ पूछ रहा है ऐड शेड्यूल करने के लिए. मैं बोल रहा हूँ ऑल डे मुझे ऐड चाहिए, तो ये ऑल डे रहेगा, ठीक है. अब यहाँ पर पूछ रहा है स्टैंडर्ड या रिस्पॉन्सिव, मुझे रिस्पॉन्सिव चाहिए, मतलब कि क्रिएट वीडियो एड्स डेट कैन शो एज मल्टीपल फॉर्मेट्स, ठीक है, मतलब कि वो वीडियो जो मल्टीपल फॉर्मेट में शो कर सके. अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 16:9, मतलब कि वही एक पूरा सेप जिस सेप में आप वीडियो देखते हो यूट्यूब में. बट जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको खड़ा डब्बा हर तरह के शेप में वीडियो चला सकता है जिस सेप में आपकी वीडियो हो ऑन यूट्यूब. ओके अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आप नीचे कमेंट कर देना और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको ऐड ग्रुप का नाम देना है जो हमें जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर पूछ रहा है डेमोग्राफिक्स, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे बस 45 से 54 साल के लोगों के बाद के लोगों को नहीं दिखाना है और बाकी सबको सेम छोड़ देना है, ठीक है. अब वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स पे भी, ठीक है. अब पूछ रहा है ऑडियंस भाई कौन सी चाहिए, तो मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो सोशल मीडिया पे निहायती एक्टिव है, तो मैं लिखूंगा सोशल मीडिया एंड इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा. एंड इसके नीचे जाएंगे तो अब यहाँ पर मेरा कीवर्ड पूछ रहा है, यहाँ मैंने पहले से कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर रखे हैं तो मैं उनको यहाँ पर लिस्ट करूंगा एंड आप भी पहले से कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर आके सर्च भी कर सकते हैं. ओके सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपना पूरा कीवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, यू कैन सी हियर राइट. अब हम लोग इसको भी बंद कर देंगे एंड नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ टॉपिक्स पूछ रहा है, बट हम यहाँ पर कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऐसे ही बंद कर देंगे. एंड यहाँ पर प्लेसमेंट पूछ रहा है तो हमें किसी भी वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे हमें अपना प्लेसमेंट नहीं करना है. ओके तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड एंड आपकी ऑडियंस सिलेक्शन, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एड में जब आप एड सेक्शन में आओगे, एड ग्रुप में आओगे. ओके एंड देन उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको अपना एड डालना है, तो जो भी एड है आपका आपको उसको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लेना है. ओके तो मैं जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ और उसका लिंक निकालकर यहाँ पर लगाता हूँ. तो गाइज अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वही अपनी वीडियो को यहाँ पर पेस्ट कर देना है उसका यूआरएल. अब जैसे ही यूआरएल आप पेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपका एड यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा राइट. अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ वो यूआरएल डालना है जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट पे आप ट्राफिक ड्राइव करना चाहते हो. ओके सो गाइज मेरा प्रोडक्ट ये है तो मैं इसका लिंक कॉपी यहाँ पर कर लेता हूँ. ओके तो मैं यहाँ पर इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उस URL को पेस्ट कर देता हूँ. एंड यहाँ मुझे कॉल टू एक्शन दे रहा है तो मैं कॉल टू एक्शन लिखूंगा लर्न मोर, ठीक है. तो मैंने लिख दिया है लर्न मोर. अब मुझे कुछ हेडलाइन देना है तो मैं लिखूंगा फ्री गिफ्ट फॉर यू. ओके तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्री गिफ्ट फॉर यू. अब यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्री गिफ्ट फॉर यू एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और लॉन्ग हेडलाइन देखेंगे, ठीक है. तो सीक्रेट ऑफ एफिलिएट, ठीक है, सीक्रेट ऑफ एफिलिएट हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं. एंड नीचे हम लोग अब लिखेंगे एक और डिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो अब यहाँ पर मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन यूज करूंगा और मैं यूज करना चाहूंगा हिडन ट्रिक्स ऑफ इंटरनेट ऑफ एफिलिएट. ओके तो यहाँ पर भी मैंने बहुत छोटा 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 दिया है बिकॉज ये जो चीजें रहती हैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं, तो आपको बस एक कैची लाइन दिखनी है जो आपको सामने सामने लोगों को दिखे, सॉरी जो सामने सामने लोगों को दिखाई दे जस्ट एंड नथिंग इज देयर राइट. तो देखो ये जो आपने लाइन लिखी है ना ये कहाँ कहाँ दिखेगी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ रिव्यू में.
आपको दिखा रहा है कि भाई सीक्रेट्स ऑफ एफिलेट यहाँ पर दिखाएगा। तो ये जो लॉन्ग लाइन है आप इसको सही भी कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पर लिख सकते हो डोंट मिस लिमिटेड टाइम ऑफर, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा तो यहाँ पर ये शो करेगा, मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो लिमिटेड टाइम ऑफर, अब यहाँ शो नहीं कर रहा है एक सेकंड, अब देखो यहाँ शो कर रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर हिडन ट्रिक ऑफ एफिलेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारा शो करता है, यहाँ पर आप बाजू में देख सकते हो। तो लाइन जो होती है थोड़ी सी कैची जस्ट आपको लिखनी है, एंड नथिंग टू डू मोर, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी कैची लाइंस का यूज करना है, लर्न मोर फ्री गिफ्ट फॉर यू लिमिटेड टाइम ऑफर एंड हिडन ट्रिक ऑफ एफिलेट, राइट। एंड जस्ट आपको उसके बाद सारी चीजें सही से एक बार रिव्यू कर लेनी है, मतलब देख लेनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कैंपेन में क्लिक कर देना है। सॉरी यहाँ पर समथिंग इज रॉन्ग, योर कैंपेन इज सेट टू स्टार्ट 24 व्हाट टुडे इज 24, ओके सॉरी। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय रात के 12 बज चुके हैं, तो ये जो कैंपेन बोल रहा है कि आपने 24 को लगाया था बट अभी यहाँ 25 हो गई है, तो यहाँ पर मुझे बस डेट सही करना पड़ेगा एंड नथिंग टू डू, ओके। तो मैं बस डेट को थोड़ा सही कर देता हूँ एंड इसको हम लोग कर देते हैं 25, एक सेकेंड, 25 दिसंबर, और इसको कर देते हैं ऑफ, एंड ये हो गया 25 दिसंबर। एंड अब हम लोग नीचे जाएंगे एंड फिर से हम लोग एक बार चीज़ों को चेक कर लेते हैं, ऊपर से सब कुछ ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ओके ओके, डन डन रिस्पॉन्सिव, ओके डन डन डन। अब गाइज यहाँ पर आपको बस क्रिएट कैंपेन में क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन में क्लिक करोगे वो आपको नेक्स्ट पेज पे ड्राइव कर देंगे, ओके। तो ये है आपका फाइनल पेज, आपका यहाँ से ऐड स्टार्ट हो जाएगा एंड जस्ट आपको क्रिएट टू कैंपेन पे, सॉरी कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे डैशबोर्ड पे, अब थोड़े ही देर में 2-3 घंटे में आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर रन करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऐड लगा सकते हो विद गूगल एड्स। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर नए हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कर सकते हो।